Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi guys, my name is Naren and this is our channel Guidely. So these are the short trick videos, okay? So this is the second video, English video of trick. First video में हमने कुछ discuss किया था. आज मेरे पास में कुछ wow factor है, extra stories है, most confusing words है. इनको याद करो, exam में आता है ये वाला. तो हम 2-3 मिनट के इन videos के through आपको quick revision करा दिया करेंगे. Alright? So that is the purpose. जैसे कि not sure if this affects me or affects me. देख रहे हो ना आप लोग, सबको पता है this is the difference. ये वाला e और a वाला, a is a verb और e is a noun. We know this. तो I have such okay many words. So today I'm going to discuss 5 words. तो total 10 words हो जाएंगे, 5 pairs. Ready? तो next class में मैं इसको continue करूँगा. आओ. So breath, breath. And देखो छोटा सा difference है, breathe. So this e is a verb actually और breath this is a noun. ये ब्रेथ क्या है, जो देखो जो ब्रेथ हम लोग दैट एयर जो हमारी हमारे जो हम जो इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं लंग्स में जो जाती है वो ब्रेथ होती है. किसी का बैड ब्रेथ होता है, गंदे मुंह से बदबू आती है जो लोग ब्रश नहीं करते या फिर देयर इज व्हाट एवर डिजीज और व्हाट एवर. तो यू कुड सी हिज ब्रेथ इन द कोल्ड एयर. जब ठंडी का टाइम आने वाला है तो आप ऐसे करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शुट्टा, आई एम टॉकिंग अबाउट जब एयर करते हैं तो व्हाइट व्हाइट सा दिखता है ना. चलिए वो ब्रेथ होता है. और ब्रीद, वो ब्रेथ बोलते हैं, दिस इज ब्रीद एक्चुअली, इट्स अ वर्ब. तो ब्रीद में ई स्पेलिंग रहता है, बी केयरफुल. एग्जाम में एयर डिटेक्शन में फ्रेज रिप्लेसमेंट में ये आता है. टू बर्ब, टू इनहेल और एक्सहेल. तो वो एयर होती है, इनहेल एक्सहेल ये होता है. इफ यू डू नॉट ब्रीद, बट इफ आई राइट, इफ आई रिमूव ई ना, गलत हो जाएगा, इट विल बिकम नाउन. फर्स्ट क्लियर. चलो सेकेंड, C-O-A-R-C course और C-O-U-R-C course. The pronunciation looks different, similar, but spelling is different. Pronunciation same लग रहा है. तो course का मतलब होता है the rough part of something. ठीक है, एक surface होता है उसका rough part होता है. चलो we sat on the pine log. और pine log मतलब pine की लकड़ी होती है, log जानते हो लकड़ी. Even though it was coarse, ये क्या था, rough था, rough surface. C-O-U-R-S-E, but ये कोर्स C-O-U-R-S-E, हाँ ये C-O-A-R-S-E वाला है, C-O-U-R-S-E वाला है. सो बी केयरफुल विद द स्पेलिंग. देखो अभी मैं कन्फ्यूज हो गया, कोई भी कन्फ्यूज हो सकता है. C-O-A-R-S-E कोर्स मीन्स होता है रफ पार्ट. और ये कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता ही है, एक पाथ होता है. ठीक है, मीन्स अ डायरेक्शन और अ पाथ. द हरिकेन ब्लू ओके अलोंग द प्रेडिक्टेड कोर्स. जो जैसे कि मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि हरिकेन यहां से निकल के जाएगा. द पाथ, द डायरेक्शन, द कोर्स, सी ओ यू आर एस सी. और सी ओ ए आर एस सी मीन्स होता है रफ पैच. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. नेक्स्ट देखो, आयल और ए आयल. तो इनका प्रोनाउंसिएशन लुक्स ओके सिमिलर, बट द मीनिंग इज डिफरेंट एंड स्पेलिंग इज डिफरेंट. तो ये देखो आयल क्या होता है. देखो आपने देखोगे जब चर्च में जाते हैं या फिर अगर आप प्लेन में ट्रेवल किए हो तो इधर सीट है, या बस में तो ट्रेवल किया ही है ना, इधर सीट है, इधर सीट है, और बीच में देर जो पैसेज, देर जो गली. तो दिस इज कॉल्ड आयल. जब आप चर्च में अगर कभी गए होगे देखा होगा, देर आर चेयर्स, देर आर चेयर्स, और दिस इज द मिडल पार्ट, देर इज स्पेस, द पैसेज, द गली, दैट इज कॉल्ड आयल. पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स. यहां पर देखो सीट्स हैं, यहाँ पे सीट्स हैं, और दिस पार्ट इज कॉल्ड ए आई एस एल ई, वी प्रोनाउंस इज आइल. चलिए और देन व्हाट इज दिस वन, हाँ और आइल, ए आई एस एल आई मिले एन आइलैंड होता है, इसे हम आइलैंड को बोलते हैं. आओ पूरा पढ़ते हैं. अ पैसेज बिटवीन टू रो ऑफ सीट्स इन अ बिल्डिंग सच एज द चर्च और थिएटर एन एयरक्राफ्ट और ट्रेन. तो ये ए वाला हो गया. और एन आइलैंड और पेनिसुला, स्पेशली अ स्मॉल वन, स्मॉल वन को हम लोग ए आई एस सॉरी आई एस एल ई बोलते हैं. क्लियर, एक आइलैंड है, एक हमारा पैसेज रास्ता होता है. हु, दिस वन इज वेरी ट्रिकी. सो सटल डिफरेंस है, अमोरल वर्सेस इमोरल, बोथ आर रॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ आर नेगेटिव इन मीनिंग. देखिए अमोरल मतलब नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग. दिस पर्सन डज नॉट केयर व्हाट इज राइट और रॉन्ग, मे बी दिस पर्सन डज नॉट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग. ठीक है, अमोरल बिहेवियर, दैट पर्सन डज नॉट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बस कर दिया.
लेकिन इमोरल दिस इज डेफिनेटली नेगेटिव, और दिस वन दिस माइट बी नेगेटिव और दिस माइट बी पॉजिटिव, गलत सही में डिफरेंस नहीं पता, अमोरल अज्ञानी, समझिए छोटा बच्चा, और दिस वन इज अ पर्सन हु विलिंगली जानबूझ के नोइंगली डू समथिंग ओके इविल रॉन्ग नेगेटिव नॉट फॉलोइंग एक्सेप्टेड मोरल स्टैंडर्ड्स। चलिए आओ अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अमोरल इज डिस्टिंक्ट इन मीनिंग फ्रॉम द अमोरल, वाइल इमोरल मीन्स नॉट कन्फर्मिंग टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, कि सोसाइटी के रूल्स होते हैं यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, तो आप पक्का जो आपको पता है कि सर्टेन रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे तो आप इमोरल हैं। ऑलराइट, और अमोरल इंप्लाइज नॉट कंसर्न विद मोरालिटी, द डिफरेंस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टू एग्जांपल। द क्लाइंट पेज फॉर द अमोरल एक्सपर्टीज ऑफ द लॉयर, ठीक है, तो क्लाइंट को नहीं पता है कि इसके अंदर कैसी एक्सपर्टीज है, ठीक है ना, तो राइट और रॉन्ग वाला। द काउंसिल जज द फिल्म टू बी इमोरल एंड ऑब्सीन, और ये वाला फुल प्रूफ है। इमोरल क्यों हुआ ये वाला, क्योंकि देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर सिनेमा फॉर सोसाइटी पर्टिकुलर कंट्री ट्रेडिशन कल्चर, और दिस फिल्म इज नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स, हेंस इमोरल। ऑलराइट, और यहां पे वी कैन नॉट जज द एक्सपर्टीज ऑफ दैट पर्सन, क्लियरली वी कांट सी राइट और रॉन्ग, बट दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग, क्लियर, ये एग्जाम में आता है। चलिए लास्ट वन, अप्रेज और अप्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। तो देखो अप्रेज, असेस द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ, ठीक है ना, अप्रेजल होता है ना, इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन आपको होता हुआ अप्रेजल होता है एंड ऑफ द एवरी मंथ और एवरी थ्री मंथ और एवरी सिक्स मंथ एक अप्रेजल होता है। दे असेस योर योर कॉन्ट्रीब्यूशन योर डेवलपमेंट राइट इन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो, तो उसमें आपको अप्रेजल मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो आपकी क्वालिटी को असेस किया जाता है, आंकलन किया जाता है। देयर इज अ नीड टू अप्रेज एग्जिस्टिंग टेक्निक्स, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स को असेस करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। वो अप्राइज का मतलब होता है व्हेन यू इन्फॉर्म समबडी, यू अपडेट देम, यू टेल देम। ओके, आई थॉट इट इज ओके, आई थॉट इट राइट टू, ठीक है ना, इट इज राइट टू अप्राइज क्रिश ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, या फिर आई थॉट इट वॉज राइट, मुझे लगा ये सही था कि क्रिश को हमने उसको अप्राइज कर दिया, अपडेट कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। तो दिस इज अबाउट अपडेट और इन्फॉर्म, और दिस इज अबाउट कि जैसे कि इनका काम अच्छा चल रहा है कंप्यूटर जी का, चलो इनको 50% का हम लोग अप्रेजल दे देते हैं, इनको हम एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, ही इज बीन वर्किंग हार्ड, समझ गया कंप्यूटर जी, खुश हो गए हमारे, तो अप्रेज। अच्छा सुनो, और कहानी बना देता हूँ कि इनकी हमारे कंप्यूटर जी के काम को चेक किया गया, इट वॉज गुड, तो उनको अप्रेज हुआ, असेसमेंट हुआ और अप्रेजल मिल गया, एंड ही इज माई फ्रेंड, तो मैं उनको कॉल करके अप्राइज किया, मीन्स मैं उनको बताया कि देखो आपका असेसमेंट हुआ है और आपको 50% का इंक्रीज हुआ है। तो अप्राइज मीन्स कॉल करके बताना, इन्फॉर्म अपडेट करना, और इसका मतलब है असेसमेंट करना। तो आई होप आपने ये सटल डिफरेंस देखा होगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।